मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में, और हम भी फर्स्ट क्लास। और हमारा इधर मौसम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रात को भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई और अच्छा हुआ। मतलब धूप निकला हुआ है कड़क, फिर भी मतलब मौसम ठंडा है, मतलब ना हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरे यहाँ पर नोज के ऊपर पिम्पल्स हो गया, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। पता नहीं अब गर्मी स्टार्ट हो गई तो मुझे पिम्पल्स आने ही आने हैं, और आने भी कहाँ पर है, नोज में, यहाँ पर कहीं भी फेस में आएगा। मतलब ये मेरे बचपन से, मतलब पहले छोटी होती थी तब भी आते थे, बहुत बुरा हाल है। और घर का भी काम रहता है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, और घर का काम कुम बहुत है अभी तो करना है, करती हूँ फटाफट। दिल नहीं कर रहा था करने का, फिर भी तो करना तो पड़ेगा, तो चलिए झटपट काम कर लेते फटाफट, फिर आपसे मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, जैसे कि मैंने फटाफट नहा लिया, झटपट नहाया और किचन मैंने साफ किया और बर्तन बुर्तन धोए, और मैंने घर का काम नहीं किया, और मैं इसलिए फटाफट काम किया किचन का। और मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ठंडा ठंडा बहुत ही बढ़िया कोकोनट की आइसक्रीम। ये देखिए मेरे पास पूरा कोकोनट है, और इसको ये तोड़ूंगी और पानी इसका निकालूंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसे आइसक्रीम बनता। बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनेगा गाइस, और कुणाल को दूंगी सरप्राइज, क्योंकि कुणाल गया होगा स्कूल, जब वो आएगा तब देखेगा तो इतना खुश हो जाएगा ना, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए बातें कम करते यार, बातों में ना फिर ऐसे टाइम निकल जाता है, फटाफट इसकी तैयारी करते हैं। आइए गाइस, जैसे कि अब इसमें से छेद करेंगे, इसका पानी निकालेंगे पहले, तो ऐसे करके पेज कैसे आई थी निकलेगा, ये इससे भी निकल रहा है, ऐसे ऐसे करते, ठीक है, सही हो गया गाइस। ये देखिए, और इसमें पानी जो सारा निकालेंगे, ये देखिए पानी, काफी पानी है, इसको हम पी भी सकते हैं छान के, ये देखिए। तो निकाल लेती हूँ सारा गाइस, ये देखिए गाइस हमने एक गिलास निकाल लिया, एक गिलास ही निकला, और ये देखिए कोकोनट। अब हम इसको गैस में गर्म करेंगे गाइस, सिम गैस में करके इसको पलटाएंगे, फिर बहुत जल्दी ये निकल जाएगा गाइस। इसको ना होली होली ऐसे ऐसे करना, अंदर से सड़े ना, मतलब ना ये तो ऐसे सड़ जाएगा कोई ना, अंदर से ना सड़े, तो ऐसे ऐसे करके ना, फिर नारियल बहुत ही बढ़िया निकलेगा। ये टेक्निक है गाइस, बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस, और मैंने 5 मिनट ऐसे सिम गैस में ऐसे ही कर लिया, तो अब इसको निकाल लेते, गैस बंद कर देते गाइस। ये देखिए अब इधर रख लेते एक कोने में कपड़े में, तो इसको ना हमने ये जो होता है हल्का हल्का इसको ऐसे 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 कर लेना, ठीक है। टाइम लगता है गाइस तोड़ने में, ये देखिए टूट रहा है, ये देखिए गाइस, और मैं तोड़ लिया, अब खोल के देखते हैं। ओहो छी, ये तो खराब है, पोपट हो गया लगता गाइस, इसकी स्मेल देखती हूँ गाइस, ये तो कोकोनट तो खराब हो गया, अब पोपट हो गया, अभी तो बनाऊंगी नहीं, देखती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह फिर लेने जाऊंगी, फिर बनाऊंगी तो कितना टाइम लग जाएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बस अब ये भी फेंकना पड़ेगा, ये पानी भी फेंक देती हूँ, क्योंकि पानी भी गंदा गंदा लग रहा था वो यूज करके मुझे। ओहो तो चलिए गाइस, अब मैं बाद में देखती हूँ क्या करना क्या नहीं, मूड खराब हो गया, अब हाथ धो लूं और काम कर घर का थोड़ी करूं, दे सोचती हूँ लेके आती हूँ नीचे जाके, नहीं तो नहीं, मूड खराब हो गया। जैसे कि आइसक्रीम तो बना नहीं, और फटाफट मैंने घर का काम कुम किया, और कुणाल भी स्कूल से आ गया, और फिर मैं दोबारा रेडी हुई, ये देखिए, और कैसी लग रही मुझे बताना। और मैं जा रही हूँ गाइस BSNL का ऑफिस में जा रही हूँ, हमने वाईफाई लगाया था तो हमने बंद कर दिया था, हमने एप्लीकेशन वगैरह लिख के दे दिया था, पता नहीं उनका मैसेज आया कि आप, मतलब उन्होंने बिल फिर दोबारा भेजा कि इतना इतना है, तो काफी ज्यादा बिल भेजा है, तो पता नहीं क्यों उन्होंने, हमने एप्लीकेशन लिख के भेजा था कि उनको मिला नहीं, कि क्या है कुछ है, हमें नहीं पता, तो वहां जाती हूँ गले, मैं वहां पर जाती हूँ, गला ज्यादा बात करो तो ऐसा होता है, वहां पर मैं जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता क्या नहीं। हमने फिर उसके बाद हमने लगाया था जियो का, मतलब वाईफाई, तो कुणाल भी आ गया फटाफट, मैंने मतलब कुणाल चल चलते फटाफट, पहले ये काम कर निपटाते, नहीं तो टेंशन है यार, एक फिर बार बार मैसेज आएगा, फिर कहते कि फिर कुछ नोटिस भेज देंगे, अच्छा भी नहीं ना फिर, एमें मुझे तो गुस्सा भी आ जाता है। तो इधर रखो कुणाल भाजी, आ जाओ भाजी, स्कूल से आके बेचारे को फटाफट तैयार कराया तो चलो फटाफट चलते हैं यार। तो चलिए, जैसे कि कुणाल साफ कर रहा है एक्टिवा, और ये देखिए मेरे पिंपल्स कितना बड़ा हो गया, पक गया यार, फोड़ देना भी कर रहा है, तो फटाफट चलते हैं, फिर आपसे बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं तो चलिए चलते हैं, तो गर्मी बहुत है बाहर, है ना कुणाल।
कल तो इतनी बारिश हुई थी, मौसम सही था, तो एक दिन ठंडा हो जाता है फिर अगले दिन से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। बहुत ज्यादा है और कवर कर लिया, चलते हैं फटाफट, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ वहाँ पर। बस जैसे कि हम मॉल आ गए और वहाँ से काम हमारा हो गया, बहुत ही लंबा चौड़ा है, घर जाके आपको बताएंगे, है ना। अब हमने सोचा कि चलो इधर आए तो मॉल वाल घूम के जाते हैं, एक दो सामान भी ले लेगा घर का। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए जैसे कि हम आ गए हुए हैं मॉल के अंदर, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। तो इधर स्पंज वगैरह नहीं है घर पर, ये वाला नहीं था यार, ये लेके जाती होगा। इसलिए गाइस कुणाल ने ट्राली ले ली है और सामान लेते हैं क्या क्या लेना है। तो चलते हैं आगे आगे, हवा कितनी अच्छी लग रही है। हाँ ले लो जो लेना है। ये देखिए गाइस अब हम आए यहाँ पर कपड़े वपड़े लेने के लिए, इधर सारे हैं। गाइस कुणाल और मैं नीचे यहाँ से पिछली बारी में गिर गई थी, तो अब सावधानी ही कर रही हूँ, नीचे गिर गई थी। तो चलते हैं अब, ले लिया हमने सामान, तो चलते हैं अब। फिर आपको सामान ले लिया एक एक करते करते आधे हमने रख लिया था डिक्की में जाके, फिर वैसे घूम रहे बेफालतू। चलो बेटा मेरा अभी आ रहा है, बर्फ डल रही है, आ गया मेरा पीछे, फिर उसके बाद मिलते हैं। कि हम घर आ गए और BSNL और जो ऑफिस में गए थे, और जैसे कि ये पंगा था कि जैसे हमने जब नेट बंद कराया, हमने जियो का लगाया ना, तो हफ्ते का आई थिंक था कुछ मतलब पेमेंट हमारा, जितने दिन चला उतना हमने देना था, तो हमें पता नहीं था। तो वो उनके उन्होंने उसके करके जुर्माना पा दिया, 5 महीने हो गए हमने मतलब जियो का लगाया है, तो BSNL का हमने वो करा दिया था, तो 5 महीने में उन्होंने मतलब जितना भी उन्होंने जो जुर्माना पा के ना मतलब इतना सारा पा के और इतना बिल भेजा था, तो फिर हमें देना पड़ा क्योंकि उसमें हमारी भी थोड़ी गलती थी कि हमें पता नहीं था, और उन्होंने ना हमें पता लगा मुझे कि नहीं। फिर बस सुबह से आज मैं ऐसे ही निकल रहा है, पहला मैं बनाने लगी थी आइसक्रीम, नारियल खराब हो गया, और वहाँ से आज दिन ही मेरे ऐसे बैंड बज गया ना, और इतनी धूप है ना बाहर बहुत ही ज़्यादा। फिर थोड़ी देर हमने बोला चलो मॉल जाते, थोड़ी एक दो सामान लेते हैं, फिर सामान लिया, और जब वहाँ से तो एसी लगे थे अंदर मॉल के अंदर, तो आपको पता ही है एसी होता है, बाहर आए तो एक्टिवा में इतनी गर्मी लग रही, फिर गन्ने का रस पिया, घर पर आई हूँ बैंड बज गया। कुणाल तो चला गया रूम में, कहता मैं रेस्ट कर लेता हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं बस यहीं पर ही हूँ। बस आज का दिन ना बहुत ही गंदा रहा यार, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर आते टाइम मैंने चिकन भी लेके आई, फिर मैंने सोचा चलो शाम को ना कुछ बना लूँगी, कि तो चिकन बिरयानी बनाऊँगी कि तो सब्जी बनाऊँगी, देखूँगी, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया, मतलब 4 बज गए हमें ना ऐसे ही। तो बस तो चलिए गाइस बाद में मिलते हैं आपसे, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। गाइस जैसे कि मैंने डिनर बना लिया और मैंने फटाफट बनाया, मैंने बनाया चिकन बिरयानी ये देखिए, और साथ में चटनी और प्याज और मिर्च। इसको खा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, मुंह से पानी आ रहा है जैसे बिरयानी होता है ना, देखती हूँ फटाफट खाने का मन कर रहा है। बस ये देखिए, आइए खाइए मेरे साथ। इतनी टेस्टी बनी ना गाइस बिरयानी, सच में आज दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, बिरयानी फटाफट बना लिया, और जो ये चटनी है ना करारी करारी चटनी है, मुंह से पानी आ रहा है, दिल कर रहा फटाफट खा लेती हूँ गाइस, और आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट गाइस, बाय।